भारत के ओपनर बल्लेबाज शिखर धवन की बेटी आलिया धवन से शादी करने जा रहे हैं पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम, यानी कि दोस्तों शिखर धवन के बनेंगे दामाद। तो दोस्तों क्या है खबर की पूरी जानकारी बताएंगे आपको इसी वीडियो में, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो दोस्तों वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और दोस्तों शिखर धवन और बाबर आजम में कौन है बेस्ट खिलाड़ी कॉमेंट में जरूर बताएं। और बिना समय लेते हुए ये वीडियो को शुरू कर देते हैं। दरअसल दोस्तों यह खबर आ रहा शिखर धवन की बेटी आलिया धवन के तरफ से। आपको बताते चले, आयशा मुखर्जी जब दोस्तों शिखर धवन के साथ शादी की थी तो उनका एक बच्ची भी था जिसका नाम था आलिया धवन। और दोस्तों इनका अब एज हो चुका है 22 का। आपको बताते चले दोस्तों इन्होंने बाबर आजम को खुलेआम तौर पर प्रपोज किया है। आपको बता दे बाबर आजम पाकिस्तान के एक बहुत ही बड़े खिलाड़ी माने जाते हैं, साथ ही दोस्तों पाकिस्तान की कप्तानी भी करते हैं तीनों फॉर्मेट में, जिसके वजह से काफी ज्यादा लाइमलाइट में रहते हैं। और दोस्तों आलिया धवन का कहना है कि बाबर आजम के साथ करीब 3 साल से रिलेशन में थी, लेकिन इसका खुलासा उन्होंने नहीं किया था। लेकिन दोस्तों अब जब बात आ चुकी है निकाह की, तो दोस्तों उन्होंने खुलेआम तौर पर अपने ट्विटर हैंडल से इस बात की जानकारी दी है कि बाबर आजम और दोस्तों आलिया धवन आपको एक होते हुए नजर आएंगे। और दोस्तों शादी का डेट भी अनाउंस करेंगी खुद आलिया धवन, जाकर आप उनका ट्विटर हैंडल चेक भी कर सकते हैं। आपको बता दें चले बाबर आजम दोस्तों इस बार अभी तक ऑफिशियली तौर पर कोई भी बयान नहीं दिए हैं। और आप क्या कहना चाहेंगे आलिया धवन के लिए, कमेंट में आप अपनी राय जरूर हमें भेज सकते हैं।